हाय हेलो, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और न्यू ईयर की सेकंड वीक एंजॉय कर रहे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। सो चलो इस स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लव इज लाइफ। और आप सुनोगे आज दास्तान है। चलो आज हम दोनों स्टोरी अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए। दास्तान है उसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना, जो जैस रहती है वो अपनी मेजर के साथ चली जाती है बात करने के लिए। इनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो मेजर रहती है यकीन नहीं कर रही होती है कि जैस और जेनिफर ये दोनों पार्टनर हैं। प्लस जेनिफर जो है वो गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती है। ये बात सुन के वो तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि जैस जेनिफर, तो कहाँ जैस और कहाँ जेनिफर, ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो यकीन नहीं कर रही होती है जैस की बातों का और बोलती है, तुम ज़्यादा मत फेंको जितना मैं कैच ना कर पाऊँ, जितना मैं ऑब्जर्व ना कर पाऊँ, जितना मैं सहन ना कर पाऊँ। तो जैस जो है बहुत समझाती है, लेकिन समझती नहीं है। जो मेजर रहते हैं वो रहती है वो और बोलती है, ओके मेजर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो ना मानिए, ये और चॉइस, ऐसे बोलती है। और वो सीधा जेनिफर की तरफ आ रही होती है। जेनिफर जैस को देखकर एक गुस्से वाला फेस बनाती है और चुपचाप बैठी रहती है। जैस जब जेनिफर को ऐसे देखती है तो बोलती है, यार अब मैंने क्या किया, आज मेरे साथ क्या टंटे हो रहे हैं, ऐसे बोल के वो जेनिफर की तरफ मासूम भरी निगाहों से देख रही होती है। लेकिन जो जैस रहती है, सॉरी जो जेनिफर रहती है, वो तो गुस्से से और देख रही होती है, आग बबूला हुई रहती है। तो क्या करें, अब अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखें तो जेलिस तो होता है ना। तो जेनिफर को भी जेलिसी तो हुई है, वो जता नहीं सकती थी, क्योंकि इन दोनों ने जो है बोला था कि ये अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो ये दोनों चुप रहते हैं। ऐना जो है अपनी दी को देखती है और स्माइल करने लगती है, बोलती है, यार ये दी को क्या हुआ, टाइम टू टाइम इनका मूड कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे बोल के वो अपनी दी की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है, वो जेनिफर को इशारों में समझाने की कोशिश कर रही होती है कि क्या हुआ बीबी, आप ऐसे मुझे घूर के क्यों देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है आपकी नज़रों से। और जेनिफर उसकी तरफ और घूर की तरफ देख घूर घूर के देख रही होती है। वहाँ से वो दोनों जो है डिनर करके निकल जाते हैं, जेनिफर और ऐना, साथ ही इनके ग्रुप मेंबर भी निकल जाते हैं, जितने भी ये लोग शूटिंग के लिए आए रहते हैं, जो दो हीरो रहते हैं, डायरेक्टर और जो रूही रहती है, जो भी है ये सभी निकल जाते हैं। जो जैस रहती है उसने डिनर किया ही नहीं रहता है, तो जो जेनिफर रहती है वो जैस की तरफ एक बार फिर देखती है और मैसेज करती है, क्या आपने डिनर किया है, थोड़ा गुस्से लहजे में बोल के वो मैसेज करती है। लेकिन मैसेज से तो पता नहीं चलता कि वो गुस्सा है या क्या है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है, एक्चुअली मैं, तो बोलती है, हाँ मुझे पता है आप अपनी उस लड़की के साथ गई थी, क्या नाम है उसका मुझे पता नहीं है, कर लेना डिनर, ऐसे मैसेज करके वो सीधा अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने ग्रुप मेंबर के साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपने ग्रुप के पास आती है। पहले वो सोचती है वो किस ग्रुप में जाए, क्राइम ब्रांच ग्रुप या आर्मी ग्रुप, वो पहले दोनों तरफ देखती है। जो मेजर रहती है और उसके पास खड़ी हो जाती है, बोलती है, क्या हुआ तुम्हें। तो जैस बोलती है, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मैम मैं किधर जाऊँ। तो उसी समय जो है इनके इंचार्ज भी आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ तुम दोनों को यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो उसकी बॉस रहती है, सॉरी जो मेजर रहती है, वो उसके इंचार्ज की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या करें ये कंफ्यूज है कि वो किस तरफ जाकर अपना डिनर करे। तो जो इंचार्ज रहते हैं वो बोलते हैं, जैस तुम्हें अपने ग्रुप के साथ जाकर लंच सॉरी डिनर करना चाहिए। तो जैस जो है अपने इंचार्ज की तरफ देखते हुए बोलती है, मतलब आर्मी ग्रुप। तो बोलते हैं, हाँ तुम आर्मी ग्रुप में चली जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुमने जितनी तैयारी यहाँ पे क्राइम ब्रांच के लिए की है, अगर तुम उसमें करोगी तो तुम्हें अपना वो जो रिस्पेक्ट है वो फिर से मिलेगा, जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे थे वो तुम्हें वापस मिलेगा, तुम चली जाओ, ऐसे बोल के वो उसे सहानुभूति देते हैं, मतलब उसे समझाते हैं। तो जो जैस रहती है वो बहुत खुश हो जाती है, वो अपना खुशी ना जाहिर करा कर अपने अंदर छुपा कर वो अपनी टीम के पास जाती है, आर्मी
ग्रुप के पास, जो उनका बैच रहता है वो 29 रहता है, तो उसके पास चले जाते हैं। और इधर जो इंचार्ज और मेजर रहती हैं, ये दोनों बात करते हैं। जो मेजर रहती है वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है क्या जैस कर पाएगी? तो जो इंचार्ज रहते हैं वो बोलते हैं, मुझे पूरा शौर है क्योंकि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये सबसे बड़ी टॉप रैंक के गुंडों से इसका पाला पड़ा है। और जिस ग्रुप का वो ये कर रहे थे, FIR सॉल्व कर रहे थे, वो अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया था। बेस्ट से बेस्ट जो क्राइम ब्रांच में थे ऑफिसर, वो भी नहीं कर पाए। जैस ने सिर्फ 1 वीक में कंप्लीट कर दिया। मतलब इसके अंदर तो अभी भी टैलेंट है, तुम्हें इसके ऊपर विश्वास रखना होगा। तो मेजर बोलती है, आई नो, मुझे जैस के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, जैस कर पाएगी। तो मेजर कहते हैं, ऐसे बोल के जो मेजर रहती है वो उधर जाने लगती है। तो इंचार्ज बोलता है, आप कहाँ जा रही हो? तो बोलती है, मैं अपनी टीम के पास जा रही हूँ, अगर वहाँ नहीं गई ना बवाल हो जाएगा। तो जो इंचार्ज रहता है वो बोलता है, क्यों? तो मेजर बोलती है, क्या करूँ, किसी अकड़ू को उस टीम का मैंने लीडर बना दिया है, कप्तान बना दिया है, तो जैस को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जा रही हूँ। तो जो इंचार्ज रहता है स्माइल करता है, बोलता है, ओके ठीक है। तो उधर चली जाती है। और जो बाकी के जो पुराने ही रहते हैं, ग्रुप रहती है मतलब आर्मी वाला, तो उसमें तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है जैस से, लेकिन वो जो न्यू कैडेट रहते हैं, बंदे रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ज़्यादा करके जो वहाँ का लीडर रहता है, कैप्टन रहता है, उसे प्रॉब्लम हो रहा था जैस से। तो वहाँ पे जो जैस रहती है, बिना किसी से बात किए वो अपना डिनर कंप्लीट कर लेती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तो वो जा ही रही होती है कि जो मेजर रहती है बोलती है, तुम कहाँ रुकी हो? तो वो बोलती है, मैं एक्चुअली उस होटल में रुकी है। तो मेजर बोलती है, अपना पूरा सामान लेकर मेरे पास आ जाना ताकि मैं तुम्हें इस ग्रुप में एंट्री दे सकूं और तुम्हारे लिए रूम दे सकूं। तो जैस बोलती है, पर उसकी क्या ज़रूरत है? तो मेजर बोलती है, तुम्हें अपनी टीम के साथ रहना चाहिए। तो जैस उस बात से एग्री करती है, बोलती है, ओके मैम। तो जैस जो है मेजर के साथ वहाँ से निकल जाती है, दोनों साथ में चले जाते हैं। जैस पहले अपने कपड़े लेती है, सामान लेती है, और मेजर के साथ जिस रूम में मेजर ले जाती है वहाँ पे अपने कपड़े रख लेती है। और वहाँ से बाहर देखती है तो बहुत अच्छा जो है मौसम था, नाइट का समय था, रात की तकरीबन 10-11 बज रहे थे। जैस जो है बाहर खड़े होकर सोच रही होती है कि मैं जेनिफर को कैसे मनाऊं, और जेनिफर है कहाँ? ऐसे वो सोच रही होती है, तभी वो उसे ख्याल आता है, यार ऐना भी तो आई है। तो ऐना के पास वो कॉल करती है। ऐना जो है कुछ काम कर रही होती है, तो वो देखती है कि उसके मोबाइल में रिंग हो रहा है। तो वो जाती है और देखती है, तो बोलती है, यार जैस मेरे पास क्यों कॉल कर रही है? तो वो कॉल पिक करती है, बोलती है, हाँ जैस क्या हुआ? तो जैस बोलती है, यार जेनिफर कहाँ है? तो ऐना बोलती है, मुझे क्या पता। तो बोलती, क्या तुम मजाक सुझाए, तुम्हारी बहन ना कभी भी मुझसे नाराज़ होती रहती है। तो ऐना बोलती है, क्या मेरी बहन नाराज़ होती रहती है? तुम ऐसा काम करते होगे इसलिए नाराज़ होती होगी। तो जैस बोलती है, अच्छा मैंने क्या काम किया है? तो ऐना बोलती है, आई डोंट नो। तो बोलती है, तो तुम कैसे बोल सकती हो कि मेरी गलती है? तो ऐना बोलती है, ऑब्वियसली तुमसे नाराज है तो तुम्हारी ही गलती होगी ना। तो जो जैस रहती है बोलती है, ऐना अब इस टॉपिक में बहस ना करके तुम बताओगी कि जेनिफर कहाँ है? तो ऐना बोलती है, हम इस वाले होटल पे रुके हैं। और तो जैस बोलती है, और तो जेनिफर दी के बारे में जानने से पहले आपको मुझे कुछ देना होगा। तो जैस बोलती है, यार तुम्हारा ये जो मांगने का स्टाइल है ना, कसम से रुकता नहीं है। तो ऐना बोलती है, क्या करूँ, रुकना भी तो नहीं चाहिए मुझे, अब आदत से मजबूर हूँ। तो जैस बोलती है, ओके फाइन, जो चाहिए मैं दे दूँगी। तो बोलते, ओके तुम्हारी वो कार चाहिए? तो बोलते, कौन सी कार? तो बोलती है, वो वाली जिससे तुम चलाती हो। तो जैस बोलती, क्या वो वाली? तो बोलती, हाँ यार तुम्हारे पास एक से एक है और बहुत
अमेजिंग कार है और तुम मेरे कार के पीछे लगी हो। तो बोलती, यार पर वो बहुत औसम है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। तो जैस बोलती है, अब क्या करूं, वाइफ को मनाना है तो उसका पता जानने के लिए तो अब इसको तो देना पड़ेगा ही। तो बोलती है, ओके फाइन दे दूंगी, अब बता दो कहाँ है। तो जो ऐना रहती है वो सब कुछ बता देती है कि वो किस रूम में रुकी है, उसका रूम का नंबर कितना है और किसके साथ रुकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जैस से शेयर करती है। तो जैस जो है स्माइल करती है, बोलती है ओके ठीक है। तो ऐना बोलती है, वेट वेट वेट, अपनी कार की भी लेकर आना। तो बोलती है, यार मैं उसे लेकर यहाँ पे कैसे आऊँ, वो तो हम दिल्ली में है ना। तो ऐना बोलती है, ओके फाइन वहाँ पे जाएंगे फिर दे देना। तो जैस बोलते हैं, ओके ठीक है थैंक यू, ऐसे बोल के वो कॉल कट करती है। और जिस एड्रेस को ऐना ने दिया रहता है उस एड्रेस को जो है जैस एक कॉपी में नोट की रहती है, उस एड्रेस को लेती है और चली जाती है। वो चुपके चुपके जा रही होती है, वो जैस के रूम, जैस जो है रूम से बाहर ही जा रही होती है कि जो मेजर रहती है वो बाहर बाहर ही उसे पकड़ लेती है, बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो जैस बोलती है, एक्चुअली मैम मैं तो कुछ काम से। तो बोलती है, अच्छा तुम मुंबई में हो, यहाँ पे क्या काम है तुम्हें। तो जैस बोलती है, हाँ नहीं ऐसी कुछ कुछ। तो बोलते, ओके तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो जैस बोलती है, ओके मैम। ऐसे बोल के जो जैस और मेजर रहती हैं वो अंदर चली जाती हैं। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं कि इस मुकाबले में होगा क्या। तो जो मेजर रहती है वो सारी इंफॉर्मेशन उसे देती है कि तुम्हें अच्छे से तैयारी करना होगा और तुम प्लीज़ ज़्यादा ध्यान से खेलना और ध्यान देना कि जो मैंने गलती की है ना उसे तुम मत करना। तो जैस बोलती है, क्या गलती किया है आपने। तो मेजर बोलती है, तुम्हें पता है मैंने जिसे लीडर बनाया है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा और साथ ही अपने ग्रुप को सेफ भी रखना पड़ेगा। तो बोलती मैं तो सेफ रखने की कोशिश करूँगी लेकिन जो मेरा अकलू कैप्टन है वो क्या करेगा मुझे पता नहीं है। ऐसे जो है जैस बोल रही होती है। तो इस बारे में जो है पीछे से जो कैप्टन रहता है जैस के ग्रुप का वो सुन लेता है और इस बात को सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरी बारे में मेजर ऐसे कैसे बोल सकती है। और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। मन ही मन सोचता है, मैं दिखा दूँगा इनको भी कि मैं इससे कम नहीं हूँ, है एक लड़की लेकिन इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सभी लोग, पर मैं दिखा दूँगा। ऐसे बोल के वो सीधा चले जाता है अपने रूम की तरफ। जो मेज़र और जैस रहती हैं वो काफ़ी टाइम तक बात करती हैं और इनका बात ख़त्म होती ही जो जैस रहती है वो बोलती है, ओके ठीक है थैंक यू मैम। तो मेज़र बोलते हैं, इट्स ओके और ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। दूसरी ओर जो जेनिफर रहती है वो अपना मुंह फुलाकर बैठी रहती है और बोलती है, यार मुझे मनाने भी नहीं आ रही है, हद है। तो कुछ पल में उसे याद आता है, यार उनको मेरा एड्रेस कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ रुकी हूँ और कहाँ पर नहीं रुकी हूँ। तो फिर वो सोचती है, यार ऐना से पूछ के तो बोल मुझे मनाने के लिए आना चाहिए ना। ऐसे बोल के वो अपना हाथ जो है बांध कर बैठी रहती है अपने बेड पे और जो है रोने वाली फेस बनाए रहती है और वो चुपचाप बैठ कर जो है अपने मोबाइल की तरफ एक नज़र देखती है और बोलती है, यार कॉल तो करना चाहिए ना। ऐसे बोल के उसकी नज़रें जो है उसकी निगाहें मोबाइल पर टिकी रहती हैं लेकिन जैस का कॉल बिल्कुल नहीं आता। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपनी मैम के जाने के बाद वो खुश हो जाती है, बोलती है, यार ये तो गई, अब चलो अपनी जान को मना लूँ फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसे बोल के वो भी वहाँ से निकल जाती है, चुपके चुपके जाती है और जो है पहले देखती है कि कौन से माले में जो है जेनिफर का रूम है, फ्लैट है। ऐसे बोल के वो ऊपर देखने लगती है तो बोलते, यार उतने ऊपर अब कैसे वहाँ तक छुपके छुपके जाऊँ। ऐसे बोल के वो जो है लिफ्ट की तरफ अपने कदमें बढ़ाती है लेकिन उसे याद आता है, अगर मैंने जेनिफर के रूम के पास मुझे भटकते भी देखा ना किसी ने तो बवाल हो जाएगा। तो बोलते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा, छुपके छुपके जाऊंगी कुछ भी हो जाए। ऐसे बोल के वो लिफ्ट में चली जाती है और सीधा जेनिफर के रूम की तरफ बढ़ जाती है, मतलब जहाँ पे जेनिफर का रूम रहता है 6th फ्लोर पे वहाँ पे वो चली जाती है।
और वहाँ से जो है लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और देखती है कि कोई है तो नहीं। और इधर उधर अपनी नज़रें गड़ाते हुए वो जैस के जेनिफर के रूम की तरफ बढ़ रही होती है। हमारी जैस जाती है और देखती है कि जैस ने तो अपना रूम लॉक किया है, तो अब उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि वह वो कैसे जाए, क्योंकि वो इस दरवाजे से तो जा नहीं सकती थी जेनिफर के पास। तो जैस सोचती है, यार अगर मैं यहाँ से गई ना तो मुझे तो घुसने नहीं देगी, क्योंकि मुझसे इतनी गुस्से में है, क्यों क्यों है गुस्सा ये भी नहीं बता रही है। ऐसे बोल के वो जो है परेशान हो जाती है और उसे आइडिया आता है ऐना 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 ऐना। ऐसे बोल के वो अपने मोबाइल को निकालती है, ऐना के पास कॉल करती है और बोलती है, ऐना तुम कहाँ हो? तो ऐना बोलती है, मैं यहाँ अपने रूम में हूँ। तो बोलती है, कौन से रूम में? अपना रूम नंबर तो बताओ। तो ऐना बोलती है, इस रूम में हूँ। ऐसे बोलती है, तो जेनिफर के रूम के बगल में भी रूम था। तो जैसे बोलते हैं, ओके ठीक है मैं आ रही हूँ, डोर ओपन करूँ। तो ऐना बोलती है, क्या? तो बोलते हैं, मैंने कहा ना डोर ओपन करूँ। तो ऐना बोलते हैं, ओके ओके ठीक है कर रही हूँ। ऐसे बोल के जो ऐना रहती है वो कॉल कट करके रूम के पास जाती है और डोर ओपन करती है। देखती है कि बाहर जैस खड़ी है, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। बोलते तो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जैस बोलती है, ऑब्वियसली तुम्हारी सिस्टर को मनाने आई हूँ, जो ऐसे मुंह फुला कर बैठी है। तो बोलती है, मेरी बहन के बारे में कुछ भी ना बोलो। तो जैस बोलती है, ओए ओ तुम्हारी बहन से पहले मेरी वाइफ है, ओके? तो बोलती है, ओए मैडम वो मेरी दी है पहले फिर तुम्हारी वाइफ है। तो बोलती है, अरे बाबा अब इस बारे में बहस बाद में करेंगे, पहले तुम्हारी बहन को मना लें। तो ऐना बोलती है, मैं क्यों मनाऊँ? आपने उसे नाराज किया है तो आप मनाओ। तो जैस बोलती है, ओके बाबा मैं ही मना रही हूँ, तुम्हें मनाने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ ना। तो ऐना बोलती है, हाँ ऑब्वियसली। ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। जो जैस रहती है बोलती है, सुनो ना अपनी दी का रूम खोलो ना कैसे भी करके। तो ऐना बोलते हैं, नारे बाबा ना पता है मुझ पर गुस्सा हो गई थी जब मैंने आपके बारे में बात किया था तब। तो जैस बोलते हैं, क्या? तो बोलती है, हाँ। जो जैस रहती है बोलते हैं, यार अब कोई चारा नहीं है। तो ऐसे बोल के वो जो है वो उस रूम के बैल्कनी की तरफ जाती है और देखती है कि जाने का थोड़ा सा भी तो जगह होगा। ऐसे बोल के वो बालकनी में देखती है। तो बोलती है, हाँ है ना। ऐसे बोल के वो बालकनी से बाहर आ जाती है। तो है ना बोलती है, कहाँ जा रही हो आप? गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, चोट आ जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, रुक जाओ, मर जाओगे, मेरी दी का क्या होगा? हाँ। तो जैसे बोलती है, यार अभी जिंदा हूँ और तुम मरने का ख्वाब देख रही हो, हद नहीं हो रहा है? तो ऐना बोलते, तो क्या करूँ, तुम गिर जाओगी ना? तो बोलते, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, चुप हो जाओ। तो ऐना बोलते, मैं कोई दूसरा दिमाग लगा लूँगी, आइडिया लगा लूँगी, लेकिन इधर से मत जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जैस बोलते, शांत हो जाओ, वैसे भी मुझे सब ट्रेनिंग है, डोंट वरी। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो सीधा जेनिफर के रूम के बालकनी में जो है छलांग लगा लेती है। तो ऐना उसे देख रही होती है और लंबी लंबी सांस ले रही होती है। जब उस तरफ जब जैस जाती है ना तो उसे सुकून मिलता है, यार सही सलामत तो गई ना। ऐसे बोल को लंबी सांस लेती है, हाय बच गई मैं, ऐसे बोलती है और बोलती है, प्लीज़ अब दूसरी बार इधर से मत आना। तो जैस बोलती है, अगर तुम्हारी दी मान गई तो इधर से नहीं आऊँगी, डोर से आऊँगी। तो जो ऐना रहते हैं बोलते हैं, ओके फाइन प्लीज़ मना लेना। और तो ऐना की बात सुन के जैस बोलते हैं, ऐसे बोल के वो जो है चुपचाप उस रूम में घुसने लगती है। जैस जैस देखती है कि सनी पर जो है अपनी नज़रें कहीं और टिका के रखी है। तो देखती है कोई मोबाइल की नज़रें टिका के रखी है। तो बोलते हैं, यार ये मोबाइल को ऐसे क्यों घूर घूर के देख रही है? तब उसे याद आते, ओ शिट, क्या ये मेरा वेट तो नहीं कर रही है कॉल का? तो अचानक से जो है उसके हाथों से वहाँ पे एक गिलास था वो गिर जाता है जैस के हाथों से। तो जेनिफर का जो है अब ध्यान आता है कि कुछ गिरा, तो वो उधर देखती है तो पाती है कि सामने जैस खड़ी है। तो बोलती है, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? कहाँ से आ गई? किधर से आ गई? बोला किसी ने देखा तो नहीं? क्या 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 हुआ? आप कहाँ से आ गई? तो जैस जो है जेनिफर को लगातार बोलते हुए देख कर वो हैरान हो जाती है और उसके पास जाती है, उसके लिप्स पे किस कर देती है। जेनिफर जो है उसे छुड़ाने की कोशिश करती है अपने लिप्स को, पर जैस जो है उसके लिप्स को छू नहीं रही होती है, क्योंकि उसने उसे बहुत टाइटली पकड़ के उसे किस कर रही होती है। तो उसके लिप्स को तो छोड़ने की दूर की बात, उसे खुद उससे अलग नहीं होना रहता है जैस को। तो जेनिफर भी थक हार के रुक जाती है अपना हाथ पैर चलाना और वो भी उसे किस बैक करने लगती है। हे एवरीवन, इसके आगे की भी सुनने के लिए तो आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट सुनना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, यार सब्सक्राइब कर दो ना।
सब्सक्राइबर बढ़ा दो, कब से ये पे अटकी हुई हूँ यार, बढ़ा दो। ओके देन, थैंक यू सो मच, और प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वन सेकेंड, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार।